आज बनाएंगे बिस्कुट की बहुत ही ज़्यादा नई और अच्छी रेसिपी जो शायद आपने कभी ट्राई करी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आज हम बनाने वाले हैं वो एकदम नया तरीका है और ये बिस्किट की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार लगने वाली है और बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को इस रेसिपी का आनंद आने वाला है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने अपनी चॉइस के दो तरीके के बिस्किट ले लिए हैं, एक नॉर्मल मिल्क या बनाना फ्लेवर या वनीला फ्लेवर और दूसरा हमने लिया है चॉकलेट फ्लेवर, और दोनों का मिश्रण हम क्या कर रहे हैं ग्राइंड कर लेंगे। आप जितने क्वांटिटी में केक बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में बिस्किट्स ले लीजिए। मैंने दो छोटे पैकेट्स लिए थे और इनको अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। अब क्या कीजिए, इस ग्राउंडेड पाउडर को जो हमने ग्राइंड करा है इसको एक बर्तन में फटाफट से निकाल लीजिए। देख लीजिए पाउडर कितना मुहिम करना है आपने। तो चलिए एक बर्तन ले लिया है और इसमें सारा का सारा हमने बिस्किट का पाउडर निकाल लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी मिल्क पड़ा हो उस मिल्क का इस्तेमाल कर लीजिए, मिल्क में मलाई हो थोड़ी तो बेहतर रहेगा। और फटाफट से आप इसमें क्या कीजिए, लगभग आधे गिलास के आसपास मिल्क, एक चम्मच दही डाल लीजिए और इसको अच्छे से घुमा लीजिए। इसको फटाफट से आपको घुमा लेना है। दूध हमने दो पोर्शंस में डालना है, पहले आधा गिलास डाला है और फिर आधे का आधा गिलास और डालेंगे, और उसके बाद भी अगर ज़रूरत लगेगी तो कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा और चेंज भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा कितना अच्छे से ये स्लरी बनके बिस्किट की तैयार है। अब डालेंगे थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर। दोस्तों आप भी थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डाल लीजिए, अच्छा बेक हो जाती है ये रेसिपी उसके बाद। तो चलिए हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल दिया। अब दही और बेकिंग पाउडर आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और चाहें तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और आधा चम्मच मलाई या देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको अच्छे से घुमा लीजिए और मुझे अभी भी ये थिक लग रहा है तो मैं फटाफट से इसमें थोड़ा सा मिल्क और लगाने वाला हूँ, थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा है तो ये डाल दिया मैंने। आपको एंड में मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा, आपको भी कुछ उसी तरीके से रखनी है। अब दोस्तों अगला जो स्टेप मैं करने वाला हूँ वो टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बहुत थोड़ा सा तेल लेके एक दो बिस्किट्स को जो पार्लेजी टाइप्स होते हैं या कोई भी बिस्किट जो आपको हैवी लगे वो आप फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, जो बिस्किट है बहुत टाइट हो जाता है, टफ़ हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, इससे क्या होता है एक बिस्किट में क्रंचीनेस आती है। अगर आप चाहें तो इस बिस्किट की जगह नॉर्मल बिस्किट भी डाल दें, फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा क्रंचीनेस चाहिए था जो बिस्किट में मुझे मिलता है। इससे एक क्रंचीनेस मिलेगी तो मुझे एक खड़ा खड़ा सा जो स्वाद मिलता है ना वो बहुत अच्छा लगता है इस ब्राउनी टाइप चीज़ में। तो दोस्तों इसलिए मैंने एक फ्राइड बिस्किट डाला है, और बिस्किट हमेशा टाइट वाला फ्राई करें, थोड़े से वॉलनट्स डालेंगे बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बिस्किट आप ज़रूरी नहीं है फ्राई करें, नॉर्मल भी डाल सकता है, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो मैं एक नॉर्मल बिस्किट भी फटाफट से इसमें तोड़ के चूरा बना के डाल के दिखा देता हूँ आपको वॉलनट्स के साथ साथ। वॉलनट्स तो बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं और टॉपिंग भी हम वॉलनट्स की करने वाले हैं इसमें। तो चलिए एक बिस्किट और ले लिया दोस्तों हमने, इसे भी अच्छे से तोड़ लीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा मिल्क कम लग रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। बिस्किट तो हमने डाला है फटाफट, और बिस्किट से बहुत अच्छी क्रंचीनेस आती है इसके बीच में, क्योंकि मोटे मोटे वो जाते हैं ना दोस्तों दाने, तो मज़ा आ जाता है। फ्राइड वाला तो बिस्किट बाहर निकालने का 2 से 3 मिनट का बहुत टाइट हो जाता है, तो टाइट वाला बिस्किट को फ्राई करिएगा वो और टाइट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हमारा ये ब्राउनी या फिर चॉकलेट केक जो भी आप इसको बुलाएं वो बनके तैयार होगी। तो दोस्तों इसको फटाफट से हम क्या करेंगे, ये डाला हमने, इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करी थी इस बर्तन में, अब थोड़ा सा ऊपर से हम वॉलनट से टॉपिंग करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो वॉलनट यूज़ करें चाहें तो मत करें। और एक स्पेशल तरीके से भी आज हम इसे बनाने वाले हैं, आज हम इसे बनाने वाले हैं कढ़ाई में। दोस्तों ये ब्राउनी ये केक कढ़ाई में बन के तैयार होने वाला है, और देखिएगा कितना स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। कढ़ाई में डाल लीजिए थोड़ा सा पानी, एक लगा लीजिए दोस्तों स्टैंड अपनी चॉइस का, जो भी पानी को मतलब पूरे तरीके से स्टैंड तक ना आए, स्टैंड से थोड़ा थोड़ा नीचे रहे, क्योंकि ये केक हमें स्टीम से पकाना है, पानी से नहीं, उसकी स्टीम उसकी भाप से। अब इस पर लिड लगा लीजिए, आप एक काम कुकर में भी कर सकते हैं और कढ़ाई में भी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बढ़िया से पक के तैयार होगा, एक बार बीच में चेक करेंगे और उसके बाद चाकू डाल के भी देखेंगे। रखने के बाद हमें लगभग इसे 10 से 15 मिनट का चेक करना होगा कि क्या स्टेटस है इसका, कितना पक के तैयार हो गया है। और मुझे लगता है अब मुझे फटाफट से इसे देख लेना चाहिए, काफ़ी समय हो चुका है इसको देखने के लिए, तो मैं इसके बर्तन को उठा लेता हूँ। आप देख सकते हैं बॉयल आ रहा है बहुत अच्छा इसमें, तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। ये केक हमारा लगभग बन के तैयार हो गया है, लेकिन मुझे अभी कमी बाकी लग रही है, तो इसको फिर से ढकते हैं और फिर 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो लगभग अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और देखेंगे केक एक जगह से फट भी गया है थोड़ा सा, इसका मतलब ये पक चुका है, क्रैक्स आ गए हैं इसमें। और हल्का सा चाकू डाल के भी देख लेते हैं, चिपक के बाहर निकला तो मतलब कच्चा है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका। दूसरी जगह डाल के देखें, फटी हुई जगह से ही बहुत थोड़ा सा चिपका है, थोड़ा सा और पका लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों फाइनली हमारा केक मुझे लगता है पक के तैयार हो चुका है,
बहुत ही यम्मीलिशियस है, मज़ेदार है। मुझे लगता है मुझे झटपट इसे प्लेट में निकाल लेना चाहिए। हल्का सा ठंडा होने दीजिए ताकि उसके बाद काटने में बेहद ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। केक हमारा दोस्तों थोड़ा ठंडा हो गया है और अब इसे काट लेते हैं पीसेस में अपनी डिज़ायर्ड शेप में। और मैं सच बोल रहा हूँ, जब भी आप इसे किसी चॉकलेट मिल्क शेक के साथ घर में बच्चों को सुबह मॉर्निंग में टी के साथ खाएं, या कभी भी आप लें, अपने लिए लें, बच्चों के लिए लें, कॉफ़ी के साथ लें, टी के साथ लें, हमेशा ही अच्छा लगने वाला है केक। तो बढ़ लेते हैं दोस्तों अपनी अगली ट्रिक पे। होगा अक्सर हमारे घर में दलिये में चीनी में कीड़े आने के डर रहते हैं, और इस दलिये में तो आपको साफ एकदम कीड़े दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। ये कीड़े बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और ये हमारे खाने को ख़राब ना करें, इसके लिए हमारे पास आज एक ट्रिक है। चीनी के साथ साथ दलिया ऐसे ख़राब ना हो, आप ले लीजिए कुछ लौंग के दाने और वो अपनी चीनी में डाल दीजिए। अब जो ये दलिया हमारा वो तो ख़राब हो चुका है, इसलिए हम इसमें लौंग नहीं डाल रहे, लेकिन अगर हमने इसमें काश पहले लौंग डाली होती तो हम इस दलिये को अपने बचा पाते। इसमें जो ये कीड़ा लगा पड़ा है वो कीड़ा नहीं लगता, इसलिए अब हम अपने इस दलिये में लौंग नहीं डाल रहे। चीनी में हमने डाल दी, दलिये को हमने छोड़ा और इसको अब थ्रो करना पड़ेगा क्योंकि ख़राब हो गया, लेकिन हम बचा सकते थे अगर लौंग डाली होती। तो यही हम आपको बताना भी चाह रहे हैं। अपनी अगली ट्रिक पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेहद इन्फॉर्मेटिव है, और ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अक्सर हमारे बिस्किट सील जाते हैं, इनको सीलन से बचाने के लिए जहाँ भी हम इन्हें स्टोर करें वहाँ हल्का सा चीनी डाल दें, चीनी के कुछ दाने डालने के बाद अब बिस्किट के पैकेट को खोलें। इससे बिस्किट्स जो है हमारे वो सीलते नहीं हैं, दमदार रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। बिस्किट सीलेंगे नहीं तो टेस्टफुल रहेंगे। जब बिस्किट हमारे एक हफ्ता 10 दिन चलते थे, वहीं 15 दिन चल सकते हैं अगर खुला पैकेट रह गया तो इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने बिस्किट को सीलने से बचाने के लिए इसमें थोड़े डाल लीजिए चीनी के दाने। भाई वाह क्या बात है। प्लीज़ हमारे पेज डिलीशियस फूड को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं अब अपनी अगली ट्रिक पे। घर पे आसानी संतरे का, मौसमी का, कीनू का, किसी का भी जूस निकालना चाहें तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। एक कटोरी ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, गिलास की उल्टी साइड पे इस कीनू को अच्छे से रगड़ लें, बढ़िया स्वादिष्ट जूस मिलेगा। बस इसको बाद में छानना चाहें या पल्प के साथ पीना चाहें। बच्चों से लेके बड़ों को सभी को ये जूस बेहद ही ज़्यादा पसंद आता है, एनर्जेटिक तो होता ही है, इजीली निकल पे तैयार भी हो जाता है और इसमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती। अभी हम आपको ये निकालने के बाद पूरा का पूरा यूज़ करने के बाद दिखाते हैं। पहले दोनों के दोनों टुकड़े हम अच्छे से निकाल लें और उसके बाद दिखाते हैं कितने अच्छे से पल्प भी निकला है और ये जो छिलके हैं वो कितने अच्छे से जूस को छोड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख लीजिए कितना अच्छे से जूस निकला है। तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बेहद ही मेहनत करके आपके लिए तैयार किया है। तो मैं चलता हूं दोस्तों, तब तक आप इनके छिलकों को भी देख लीजिए और प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ध्यान रखें और वीडियो को ज़रूर शेयर और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लें फ्रेंड्स।